Welcome to the physics lecture series for class 12th. This is lecture number 4 of structure of atoms and nuclei. So last lecture mein humne nucleus ke bare mein study kiye the. We'll continue with the same thing about the properties of the nuclei. Let us see the sizes of the nuclei. Now see, in case of atom, hum jab atom ko consider karte hain to atoms ke andar this is the nucleus, ye uska radius hota hai. नाउ अगर हम बोलेंगे व्हाट इज़ द साइज ऑफ द एटम, अगर हम साइज ऑफ द एटम कंसिडर करेंगे तो हमें ये पूरा रेडियस लेना पड़ेगा, यहाँ से जितनी बार ऑर्बिट्स होंगे लास्ट तक जाएगा. सो दिस इज द साइज ऑफ द एटम. नाउ व्हाट वी आर कंसर्न, अभी हम यहाँ पे जो कंसर्न है, वी आर कंसर्न विद द साइज ऑफ द न्यूक्लियाई. एक न्यूक्लियस जो रहेगा उसकी साइज, सो दिस इज द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स एंड देयर ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो इसकी साइज़ हमें फाइंड करना, इसकी साइज़ क्या रहेगी. ओके, इफ़ यू वांट टू फाइंड द रेडियस, रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियाई, तो उससे हमको उसका एरिया पता चलेगा, इसका वॉल्यूम पता चलेगा. तो व्हाट अबाउट द साइजेस ऑफ द न्यूक्लियाई. नेचुरल बात है कि एज इन द केस ऑफ एटम्स, जितने ज़्यादा मतलब जितना बड़ा एटॉमिक नंबर रहेगा उतना बड़ी साइज का एटम रहेगा. एटम की साइज डिपेंड्स ऑन ऑफकोर्स ऑन द नंबर ऑफ वी कैन से द एटॉमिक नंबर. ठीक है, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इतने ज़्यादा ऑर्बिट्स रहेंगे. नाउ रिगार्डिंग द साइज ऑफ न्यूक्लियस, सेम प्रिंसिपल हम यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में वी हैव न्यूक्लियंस. न्यूक्लियंस का मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होंगे उतनी साइज ज़्यादा बड़ी रहेगी. ठीक है, सो व्हेन वी कंसिडर, एक्सपेरिमेंट्स शो दैट इफ़ वी हैव एटम एक्स, अगर हमारे पास कोई एटम एक्स है, ठीक है, तो उस अगर एटम का अगर एटॉमिक नंबर जो भी हो उसका अगर मास नंबर अगर ए है, सो द वी कैन से द रेडियस, उसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू आर ज़ीरो ए रेस टू 1/3. तो ये हम दिस इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि अगर हमारे पास कोई भी एटम एक एटम है एक्स, ठीक है, उसका मास नंबर अगर ए है, सो दिस आर एक्स इज इक्वल टू आर ज़ीरो. ऑफकोर्स आर ज़ीरो एक कॉन्स्टेंट है, वी हैव वी नो द कैलकुलेशन, द कैलकुलेटर वैल्यू ऑफ आर ज़ीरो. सो आर ज़ीरो इज समथिंग 1.2 इंटू 10^-15 मीटर. सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट, सो वी कैन से दिस इज ऑफकोर्स प्रपोर्शनल टू ए 1/3. Now this is what we have. Now let us see the density. Okay. Now density क्या होता है, density of the nuclei अगर हम देखेंगे तो density का formula क्या होता है, density is actually mass upon volume. Okay. तो हम देखेंगे what is the density proportional to. तो density, suppose if rho is the density, now the total mass of any nuclei, वो अगर सपोज हम एक न्यूक्लियाई का मास स्मॉल एम लेते हैं तो ए इज़ द मास नंबर. नाउ दिस एम इज़ एक ये जो एम है इट इज़ द मास ऑफ आइदर द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों का मास तो सेम ही है. सो दिस स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, और ए जितने नंबर ऑफ रहेंगे उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ वॉल्यूम, वी नो द फॉर्मूला फॉर पाई आर क्यूब, हम इसे एक्स लिख देते हैं बिकॉज ये एक्स एटम का रहेगा. नाउ इन दिस केस हमने ऊपर देखा आर एक्स है, आर एक्स इज आर ज़ीरो आर रेस टू 1/3. ओके, सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, दिस व्हाट वी गेट इज दिस इज एम ए अपॉन 4/3 पाई, दिस इज एक्चुअली आर ज़ीरो ए रेस टू 1/3 द होल क्यूब. सो वॉट वी आर लेफ्ट देन, हमारे पास क्या बचेगा, तो वॉट इज रो, जो हमको मिलेगा रो इज एक्चुअली ये एम ए अपॉन 4/3 पाई आर ज़ीरो क्यूब, एंड ए ऐसे बचेगा क्योंकि ए रेस टू 1/3 इंटू क्यूब है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा. वॉट वी गेट इज 3m अपॉन 4/ आर ज़ीरो क्यूब. तो वॉट वी ऑब्जर्व इज दैट ये जो डेंसिटी है, ओके, डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट बिकॉज इन दिस केस वॉट वी सी इज एवरी थिंग इज कॉन्स्टेंट. स्मॉल एम तो कॉन्स्टेंट है, आर ज़ीरो भी कॉन्स्टेंट है,
So we say that density of a nucleus is constant. Okay. तो density जो है nucleus की ये it does not depend upon the atomic number of the nucleus. ठीक है, वो हर nucleus के लिए same ही होती है. That is what we conclude. Now if we calculate the density, अगर इसकी density calculate करेंगे इस values को put करके, so this density is actually 2.3 into 10 raised to 17 kilogram per meter cube. Now this is an extremely large density, बहुत ज़बरदस्त density है ये. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा density है. So nucleus they are highly dense. Okay, so this is what we see. Now next we come to the topic that is called as nuclear forces. Now there are four fundamental forces, चार fundamental forces हैं. First is the gravitational force. Second is weak electromagnetic force. Third is strong electromagnetic force. And then we have the nuclear force. ये चार fundamental forces हैं. Now if we compare them, we see that nuclear force is the strongest force as compared to all the other fundamental forces. जो चार forces हमारे पास है, सबसे strongest force जो है nuclear force है, और सबसे weakest जो gravitational force है. ठीक है, ये रीज़न है कि हम देखते हैं कि इतनी, अभी हमें देखा डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा डेंसिटी है तो डेंसिटी हम बोलेंगे मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है. यानी बहुत कम वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा मास है. तो ये पूरे मास को एक साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड करने के लिए, अब ये मास के अंदर हम देखते हैं कि इन केस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पास सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. नाउ प्रोटॉन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो इतने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को एक साथ जमा करना, ओके ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स दे आर दे डोंट हैव एनी चार्ज, मगर क्या होता है कि दो प्रोटॉन्स अगर नज़दीक आएंगे तो उनके जो आपस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मगर न्यूक्लियर फोर्स जो है इट कम्स इन टू प्ले, और वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम करके वो पूरे प्रोटॉन्स और हर जो न्यूक्लियन सबको एक साथ जमा रखता है. तो हम ये एज्यूम, इसलिए वी कंक्लूड दैट बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पूरा न्यूक्लियस जो है वो ब्रेकअप नहीं होता. सो सेकेंड जो है इसकी रेंज बहुत ही कम है. ठीक है, नाउ इफ़ वी कंपेयर, हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दे हैव इनफाइनाइट रेंज, मगर ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसकी रेंज बहुत ही स्मॉल है. फर्मी मीटर्स में हो गया, मतलब 10^-15 की रेंज है इसकी, 10^-15 मीटर्स. ठीक है, देन तीसरा पॉइंट ये कि इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट. हम देखते हैं कि ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट. यानी जो फोर्स ऑफ इसमें, अच्छा एक बात ये भी है कि न्यूक्लियर फोर्सेस दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, देर इज़ नो रिपल्सिव फोर्स. ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है. न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्सेस भी हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगी. तो जो अट्रैक्शन जो है दो प्रोटॉन के बीच में है, वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, वही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में है. तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे नहीं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के अंदर रिपल, ये कुछ अलग फोर्स होगा, ऐसा नहीं है. सो दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट. एंड ऑफकोर्स वी कैन से न्यूक्लियर फोर्सेज आर वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स, इसको समझना मतलब टोटली हम इसको इसका अभी तक टोटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो बाई द वे दिस इज वॉट वी नो अबाउट द न्यूक्लियर फोर्सेज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड मेक देम फ्री इज द बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर वी हैव प्रोटॉन्स, ओके, और न्यूट्रॉन्स, ये दोनों के दोनों हैं अंदर. ठीक है, तो आई एम ड्रॉइंग विद सपोज ग्रीन. तो वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड एंड दे आर बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, तो इतनी एनर्जी जब सप्लाई करना, ठीक है, कि वो सब के सब सेपरेट हो जाए, ठीक है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी. जैसे हमने इसके पहले जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर स्टडी किए थे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है एंड वी हैव अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसका है और यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस. तो ये न्यूक्लियस की जो एनर्जी है -13.6 है. तो कितनी एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करेंगे ताकि ये जो है ये दोनों फ्री हो जाए? सपोज अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है और बाहर न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है.
तो अगर हम +13.6 एनर्जी सप्लाई करेंगे तो दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे आर फ्री, ये एटम जो है ये रिलीज हो जाए, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये एनर्जी हमको +13.6 सप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाए। तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एंड दे आर बाउंडेड। तो कितनी एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये सब के सब अलग अलग हो जाए। तो ये जब साथ में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देना पड़ेगा ताकि ये अलग अलग हो जाए। ना व्हाट इज, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, दैट विल सी नाउ। इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, ना ये बात देखी जाती है। नाउ सपोज इफ़ वी हैव अ, अगर मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस का मास कितना हो, सपोज वी हैव एन एटम, ठीक है, वो एटम के पास जो है सपोज ए इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये इसके पास न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स में सपोज एन इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन पी इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, या जेड हम लिखते हैं, ठीक है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ये इसके पास प्रोटॉन्स हैं। तो टोटल मास क्या होना चाहिए, द टोटल मास जो होगा वो एटम का जो मास, वो जो न्यूक्लियस का जो मास होगा न्यूक्लियस का, तो जेड इंटू एम पी, ठीक है, दिस इज द, ये जेड इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एम पी इज़ द मास ऑफ वह सिंगल प्रोटॉन, प्लस हम लिखेंगे एन इंटू एम एन, ठीक है, एम एन इज़ द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, एन इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस शुड बी इक्वल टू दिस, मगर ये बात देखी जाती है कि जो इसका मास होना चाहिए ये इससे कम होता है मास का। सो सपोज इफ कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ दिस न्यूट्रॉन, अगर मास, अगर उस न्यूक्लियस का मास अगर मेजर करेंगे, इफ़ कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज़ लेस देन दिस नंबर, ये होना चाहिए इक्वल टू होना चाहिए था, मगर ये कम होता है। तो दिस डिफरेंस इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ, इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट हम जो देखेंगे, सो इट इज़ डेल्टा एम, ये डेल्टा एम जो है, ओके, तो ये डेल्टा एम अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली देखेंगे, सो दिस इज़ प्लस एन एम एन माइनस एम, वे दिस इज़ द एक्चुअल मास, ये होना चाहिए था, मगर ये मास एम मिल रहा है हम लोगों को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट समथिंग डेल्टा एम, ओके। तो दिस डेल्टा एम इज़ कॉल्ड द मास डिफेक्ट, ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, ये व्हाई डू वी गेट दिस, ये मास डिफेक्ट क्यों आता है, तो व्हाट वी सी इन दिस केस दैट व्हेन द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो वो सम एनर्जी इज वेस्टेड, कुछ कुछ एनर्जी हमें लगेगी वो सब के सब न्यूक्लियॉन्स को जमा करने के लिए। ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी, ये मास जो है, ये जो जितना मास कन्वर्ट हुआ है, ये मास टोटल मास ही होना चाहिए था, मगर एक्चुअल मास ये है, तो ये मास का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस ऑफ मास इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज़ एक्चुअली द, वी कैन से दैट मच अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस बाइंडिंग एनर्जी वुड बी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। सो हम जो न्यू जो आइंस्टाइन का फॉर्मूला ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सो ये जो डिफरेंसेस मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, दिस हाउ वी कैल ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका है। तो ये फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो व्हाट वी गेट इज़, ये डेल्टा एम हमने कैलकुलेट किया था, सो दिस डेल्टा एम इज एक्चुअली जेड एम पी माइनस, सॉरी प्लस आएगा, एंड माइनस एम सी स्क्वायर, ये दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, ओके, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। नाउ आफ्टर दिस कैलकुलेशन, ओके, वी कैन ऑल्सो सी द दिस, ये जो हमको मिलता है बाइंडिंग एनर्जी, नाउ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये भी एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये देखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स करते हैं तो वी गेट दिस टाइप ऑफ अ कर्व, ठीक है। सो ये इसमें हम देखते हैं कि द लीस्ट न्यूट्रॉन के लिए बहुत लीस्ट है और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इट बिकम्स हाई और कभी कभी लो भी है। तो हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होता है हाई वैल्यू, इट शोज द स्टेबिलिटी, जितना बाइंडिंग ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना एटम जो है उतना न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। तो हम देखते हैं कि हीलियम इज स्टेबल, ओके, जितना जहाँ पे पीक मिल रहा है हमको, पीक यहाँ पे जो पीक मिल रहा है
this peak shows that the nuclei is more stable, और nuclei ज़्यादा stable हैं, क्योंकि ये iron पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बाद में आगे देखते कम होते जाता है. सो दिस इज़ द लीस्ट स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हमसे हमको इससे पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस कितना स्टेबल है या अनस्टेबल है. ओके, नाउ जनरली इट इज सीन दैट मेनी ऑफ द न्यूक्लिया दे आर स्टेबल एंड दे डू नॉट चेंज. जो न्यूक्लिया स्टेबल, अक्सर ज़्यादातर न्यूक्लिया स्टेबल रहते हैं तो उनकी स्टेट चेंज नहीं होती है, दे डू नॉट चेंज. बट देर आर सम न्यूक्लियाज विच आर अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होते हैं. तो इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी दे गिव आउट सम रेडिएशंस. सो नाउ वी कम दैट इज कॉल्ड एज रेडियोएक्टिविटी. तो ये क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियर लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसको बोलते हैं रेडियोएक्टिविटी के. तो वो रेडिएशंस जो है एमिट करेगा और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा. तो जो डिके हो रहा है न्यूक्लियर उसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियर, और जो नया न्यूक्लियर जो फॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियर. तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियर है, ये रेडिएशन जो है एमिट करने के बाद ये दूसरे न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दूसरा न्यूक्लियर उसको बोलेंगे हम डॉटर न्यूक्लियर. अगर वो भी अनस्टेबल है तो वो भी और जो है रेडिएशन एमिट करके वो और दूसरा उसके उसके वो खुद पेरेंट बन जाएगा, उसके जो होगी डॉटर न्यूक्लियर बनता रहेगा. तो दिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बैक्विरल. नाउ देर आर, ये जो डीके होते हैं, ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डीके, तीन टाइप के डीके होते हैं जिससे जो है न्यूक्लियर दे बिकम स्टेबल, दे गेन स्टेबिलिटी. द फर्स्ट वन इज द अल्फा डीके, द सेकेंड इज द बीटा डीके, एंड थर्ड इज द गैमा डीके. तो अल्फा डीके क्या होता है, अल्फा डीके में क्या होता है, तो पेरेंट न्यूक्लियर जो है वो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है. ठीक है, वॉट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम. ठीक है, ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस जो है इसको हम बोलेंगे. सो अल्फा पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल एमिट करके अपने आप को स्टेबल बनाते रहेगा. ठीक है, अल्फा पार्टिकल एमिट होगा. नाउ सपोज व्हाट हैपेंस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड. नाउ सपोज इफ वी हैव अ पेरेंट न्यूक्लियर, ये अगर पेरेंट न्यूक्लियर है, इसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर इफ इट इज जेड, सो इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ डॉटर न्यूक्लियर. ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका जो मास नंबर है वो चार इसका कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर टू कम हो जाएगा, एंड इट एमिट्स अल्फा. तो जब अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो ये इसका एटॉमिक एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय टू एंड मास नंबर इट डिक्रीजेस बाय फोर. तो इस तरह से ये अपने आप को जो है स्टेबल बनाएगा. नाउ अल्फा पार्टिकल्स जो है दे आर सिमिलर टू द हीलियम न्यूक्लियर. नाउ इट कैन बी सीन दैट ये जो मास है, टोटल मास, ये हमारे पास जो मास है, इसका अगर मास हम ऑफकोर्स इफ यू एज्यूम दैट एम एक्स इज द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर, और जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक डॉटर न्यूक्लियर है, एंड वी हैव दिस मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सो दिस शुड बी इक्वल. मगर ऐसा नहीं होता, बल्कि हम ये देखते हैं यहाँ पर व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज दैट द मास ऑफ द पेरेंट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द डॉटर प्लस मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल. तो ये जो एक्सेस मास है, ठीक है, जो मास लॉस होता है, मास जो मास लॉस हुआ, तो दिस मास इज द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एज, क्योंकि मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी. तो ये जो डिफरेंस इज इन मास है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज एक्चुअली कॉल्ड एज द क्यू वैल्यू. ठीक है, इसको क्यू वैल्यू हम बोलते हैं, विच अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स. जो काइनेटिक एनर्जी, ये जो हमको मास डिफेक्ट मिलता है, सपोज इफ वी से दैट जो भी हमको मास, एक्सेस मास जो मिलता है, वो मास जो है एनर्जी के फॉर्म में हमको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इज द क्यू वैल्यू. तो क्यू वैल्यू कैसे मिलेगी हमको, तो अगर इसी के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस क्यू वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ द पेरेंट माइनस मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर माइनस मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर. ठीक है, और ये जो एनर्जी है क्यू क्यू वैल्यू जो हम बोलते हैं, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नाउ नेक्स्ट इज द बीटा डीके. तो इन केस ऑफ बीटा डीके, न्यूक्लियस इट एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा. अब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर तो होता नहीं है, वो तो ऑर्बिट में घूमता है. तो वो केस में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और वो जो है इट इज़ प्रोड्यूस बाय कन्वर्टिंग अ न्यूट्रॉन इंटू अ प्रोटॉन. ठीक है,
यानी क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया जाएगा और जो एक एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर एमिट किया जाएगा. तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस टेक्स इन सच ए वे दैट दिस न्यूट्रॉन इट गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोटॉन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा एंड प्लस देर इज अ अनदर प्रोडक्ट कॉल्ड एज एंटी न्यूट्रिनो. तो ये भी एक प्रोडक्ट एंटी न्यूट्रो भी इज ऑल्सो एमिटेड. नाउ एंटी न्यूट्रो दे आर चार्जलेस पार्टिकल, उसका मास भी एकदम नेग्लिजिबल होता है और उसके चार्ज कुछ भी नहीं होता, उसका मास भी एकदम नेग्लिजिबल होता है. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इफ़ वी हैव अ न्यू इफ़ वी हैव अ न्यूक्लियस हैविंग ए इज़ द मास नंबर एंड सॉरी जेड इज़ द एटॉमिक नंबर, एक्स नहीं रहेगा जेड रहेगा, सो दिस इज द जेड. तो इट दिस पर्टिकुलर ये पेरेंट है, तो डॉटर में हमें क्या मिलेगा जो है, ये डॉटर में दिस रिमेन्स एज इट इज़ एंड हियर वी हैव जेड प्लस वन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद अ एंटी न्यूट्रिनो. So this is what we get. Now apart from this, we also have another type of beta decay, इसको बोलते हैं beta plus decay. इसमें इसमें क्या होता है, we have this proton, ठीक है, proton gets converted to neutron, emitting a positron. ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन में क्या होगा, इट इज़ सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ न्यूट्रीनो. तो यहाँ पर एंटी न्यूट्रोनो था, यहाँ पर न्यूट्रीनो है. तो हाउ दिस रिएक्शन, ये हम अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ द न्यूक्लियस. सो व्हाट हैपेंस हियर इज वी हैव मास नंबर तो सेम ही रहेगा, ठीक है, जैसे पहले था यहाँ भी सेम रहेगा. सो हियर एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन एंड वी हैव अ न्यूट्रीनो सॉरी पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन था पॉजिट्रॉन हो जाएगा और ये न्यूट्रीनो. सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ बीटा डीके, इसको बीटा प्लस डीके बोलते हैं. नाउ ये जो पर्टिकुलर डीके है ये सिर्फ कब पॉसिबल होगा, जब प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस. ये प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता कि द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो ऐसा नहीं होगा. ये जब न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा. ओके, नाउ इन द थर्ड गैमा डीके, द थर्ड टाइप ऑफ डीके दैट इज कॉल्ड इज द गैमा डीके. तो गैमा डीके में क्या होगा, द पेरेंट न्यूक्लियाई इट एमिट्स गैमा रेज. तो गैमा रेज क्या है, दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स, इसकी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले फोटॉन होते हैं एंड दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर. बट व्हेन अ पेरेंट, सपोज ये पेरेंट न्यूक्लियाई, ये जब गैमा रेज जब एमिट करता है तो ना इसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर मास नंबर दे रिमेन सेम, दे डू नॉट चेंज, वो दोनों सेम रहेंगे. बट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई इज रिलीज्ड. सो वॉट हैपेंस जब अल्फा और बीटा जब डीके होता है ना, तो द पेरेंट जो जो भी डॉटर न्यूक्लियर रहेगा, जो भी न्यूक्लियस रहता है, वो इट इट गोज इन वेरी एक्साइटेड स्टेट. तो वो एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, वो इट रिलीजेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन विच आर कॉल्ड एज गैमा रेज. तो ये गैमा रेज एमिट करने के बाद वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है. सो हमने इसके पहले भी स्टडी किया कि एटम्स के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो उससे वो रेडिएशन एमिट करता है. बट एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो एमिट होते हैं, जो रेडिएशंस होते हैं, दे आर इन अल्ट्रा वायलेट रीजन. बट इन केस ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, व्हेन अ हाईली एक्साइटेड न्यूक्लियस व्हेन इट कम्स टू अ लोअर एनर्जी स्टेट इट गिव्स आउट रेडिएशन एंड दोस एंड रेडिएशंस आर वेरी इंटेंस, दे आर इन द गैमा रीजन. ठीक है, गैमा रेज की रीजन में होता है. तो वो जो एनर्जी ये एटम्स में होती है वो इट कैन बी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रहती है, मगर यहाँ पर जो है एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर जो जो एनर्जी एमिट होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, इज वेरी लार्ज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. सो दिस इज द गैमा रेज. सो हमने जो समरी हम देखेंगे कि व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड बाय अ न्यूक्लियस तो एटॉमिक नंबर जो है इट डिक्रीजेस बाय टू. ठीक है, जेड जो है इट डिक्रीज बाय टू और मास नंबर डिक्रीज बाय फोर. बीटा दो टाइप का डीके हमने स्टडी किया, इसमें ए तो कांस्टेंट, ए चेंज नहीं होता, आइदर वी गेट जेड माइनस वन और वी गेट
z plus 1. Okay, and in case of gamma rays, na to a change hota hai, na to z change hota hai. Okay, so that's all for this particular session. We will continue in the next session. Thanks for watching.